हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारतीय रेलवे के टॉप 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद ना ही आपने कभी सुने होंगे या फिर आप शायद ही है जो जानते भी हों। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय रेलवे नेटवर्क की, तो दोस्तों नेटवर्क के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 2.50 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 2.50 करोड़ लोग इसमें रोज ट्रेवल करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो दोस्तों अगर हम बात करें नंबर वन की, तो नंबर वन पे आता है आपका विशालकाय सेवा नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, इसमें करीब 65,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क पर हर दिन 11,000 ट्रेनें चलाई जाती हैं दोस्तों, और उन 11,000 ट्रेनों को बखूबी कंट्रोल करता है अपना भारतीय रेलवे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नंबर दो की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरियां वगैरह प्रदान कराने का काम है दोस्तों, भारतीय रेलवे करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। जी हाँ दोस्तों, और फोर्ब्स के हिसाब से यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर जो पॉइंट होता है वो है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर 15 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नंबर तीन की अगर हम बात करें, तो नंबर तीन पर आपका आता है सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा। जी दोस्तों, भारतीय रेलवे में आपको ये भी गुण देखने को मिलेंगे। भारतीय रेलवे सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा दूरी की अनोखी यात्रा कराती है। जी हाँ दोस्तों, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस कुल 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि नागपुर से अजनी के बीच महज 3 किलोमीटर के लिए भी ट्रेन चलाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नॉन स्टॉप फुल ऑफ स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही है कि लगातार चलना और रुक रुक कर चलना है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे में ये भी एक गुण पाया गया है कि त्रिवेंद्रम और निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस जो कि बड़ोदरा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी महज 6.5 घंटे में बिना किसी स्टॉपेज के पूरी करती है, वहीं भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन चलने वाली यही है दोस्तों। वहीं हावड़ा और अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 115 स्टेशनों पर रुक रुक कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ जो कि आता है नंबर पांच। तो दोस्तों नंबर पांच पर आता है सबसे तेज और सबसे धीमी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, भारत रेलवे का एक ये गुण जो कि नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसकी सर्वाधिक गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। जी हाँ दोस्तों, 150 मतलब 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं नीलगिरी एक्सप्रेस 10 किलोमीटर की औसत गति के साथ देश की सबसे धीमी ट्रेन है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे धीमी ट्रेन है, कौन सी, नीलगिरी एक्सप्रेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नंबर 6 पर आता है आपका सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा चलने वाली ट्रेन ये भी एक भारतीय रेलवे का गुण है। जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस सामान्य तौर पर 10 से 12 घंटे की देरी से ही चलती है, जिसके चलने से यात्रियों में लगने वाला कुल समय की जो टाइम जो अवधि है वो 65 घंटे तक की हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम की। जी बिल्कुल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नंबर 7 पर आपका आ जाता है सबसे लंबे और सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई के नजदीक अराकोनम रेनिंगुट्टा सेक्शन पर, तो इसमें आपको मिल जाता है जो स्टेशन का नाम है वो है वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा। जी हाँ दोस्तों, वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा, जी हाँ स्टेशन का नाम है, और ये भारत का सबसे लंबा स्टेशन का नाम है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं ओडिशा के झारसुगुड़ा के नजदीक स्टेशन इब और गुजरात के आनंद के नजदीक ओल्ड सबसे दुनिया। तो दोस्तों ये इंडियन रेलवे का सबसे छोटा स्टेशन है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से हैं, उड़ीसा का इब और गुजरात के आनंद के नजदीक ओड। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के सबसे छोटे स्टेशनों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम छोटा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ जो कि आता है नंबर 8 पर, 2 राज्य 1 स्टेशन। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 2 राज्य और 1 स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, नवापुर ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों की सीमा के अंतर्गत आता है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र की सीमा में है और जबकि बाकी आधा हिस्सा गुजरात की सीमा में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं 9वें फैक्ट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 2 स्टेशन 1 जगह। जी हाँ, ये भी एक भारतीय रेलवे का बेहतरीन गुण है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पता करते हैं। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में श्रीरामपुर और बेलापुर ऐसे 2 रेलवे स्टेशन हैं जो एक ट्रैक के आमने सामने ही स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आमने सामने स्थित हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ अगर हम जाएं, तो 10वें नंबर पर आता है आपकी सबसे बड़ी आपदा। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी आपदा थी 6 जून 1981 को बिहार की
बागमती नदी में एक यात्री ट्रेन के गिर जाने से करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, उसमें 800 लोगों की जान गई थी। यह दुर्घटना भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे टॉप 10 भारतीय रेलवे के तथ्य जो शायद आपको पता नहीं होंगे, और अगर पता नहीं थे और अब आपको पता लग गए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, अच्छी अच्छी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जो हम जानकारियां लाते हैं उनसे आप बिल्कुल भी दूर ना रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।